आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, योगी सरकार के एक फैसले से लाखों कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मियों की यहां पर जो है ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, जो उम्मीदवार संविदा कर्मी की भर्ती को लेकर लगातार परेशान रहते थे, अब वो योगी सरकार की तरफ से दोस्तों उन्हें एक बड़ी यहां पर जो है गुड न्यूज़ मिली है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों की जो है अब वो ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, कैसे, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और यह गुड न्यूज़ उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके अभी तक रिज़ल्ट दोस्तों आ रहे हैं और जो अभी तक काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी एनएचएम की अभी तक जो है स्टाफ नर्सिंग की रिजल्ट पेंडिंग है, डीवी पेंडिंग है। वह सारे उम्मीदवार अब हो सकते हैं पूरे तरह से परमानेंट। दोस्तों, कैसे, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये आर्टिकल देख लीजिए, एक दिन यह पुराना आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, परमानेंट करेंगे, यहाँ पर जो है परमानेंट किए जाएंगे लाखों संविदा कर्मी। यानी कि दोस्तों, नर्सिंग के जितने भी उम्मीदवार थे, एएनएम के, स्टाफ नर्सिंग के जितने भी उम्मीदवार थे, अब वो यहाँ पर परमानेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दौरान ही दोस्तों यहाँ पर सारे जो है क्षेत्रों से यहाँ पर लगातार वो लिस्ट मांगी गई थी, और उस लिस्ट में जितने भी संविदा कर्मी की जितनी भी वैकेंसियाँ थी या जितने उम्मीदवार काम कर रहे थे, उन सभी के लिस्ट जो है सरकार ने मांगी थी। क्योंकि उन सभी लिस्ट पर दोस्तों संविदा कर्मी की जो मोहर है वो हटाकर दोस्तों सरकार उन सभी उम्मीदवारों को परमानेंट दोस्तों यहाँ पर करने वाली है। जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो है बेहद गुपचुप तरीके से एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला, इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की ज़िंदगी बदलने वाली है। ठेके संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी परमानेंट, यहाँ पर देखते हैं कि परमानेंट सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह विवरण पूरे तरह से मांग लिया गया है। इस दफ्तर देखते हैं कि हर एक सरकारी दफ्तर से जो भी आप सभी के जिले वाइज थी, उन सभी जिलों के लिए जो यहाँ कर मेन सचिव थे, उन सभी ने लिस्ट मांगी है कि आपके पास कितने संविदा कर्मी थे, उन सभी की लिस्ट भेजी जाए। और 2024 तक दोस्तों आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक की जितने संविदा कर्मी भर्तियाँ थी, जिनमें अभी भी उम्मीदवार काम कर रहे हैं और जिनके अभी भी जिनके रिजल्ट पेंडिंग है या डीवी पेंडिंग है, उन सभी को अब यहाँ पर परमानेंट दोस्तों कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक बहुत ही बड़ी जो है रणनीति थी, जो उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदान होने वाली है। क्योंकि जो उम्मीदवार लगातार यह प्रयास करते थे कि किसी तरह से जो संविदा कर्मी की भर्ती है उसे परमानेंट कर दिया जाए, और जो उनकी मांग एक तरह से रहती थी, वो मांगों को यहाँ पर पूरे तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा और उनकी जो मांगे हैं वो यहाँ पर अब पूरे करने वाली हैं। जिसमें कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यही विवरण इसी महीने में उपलब्ध करना जरूरी है, जरूरी करने किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो विवरण है इसी महीने तक, सारे जो विवरण हैं संविदा कर्मी की, वो मांग ली गई है वो लिस्ट, और इसी महीने तक उपलब्ध करनी है। और 2024 तक बहुत ही जल्द आप सभी को जितने संविदा कर्मी हैं उन सभी की जो वैकेंसी है वो आपको परमानेंट देखने को मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दोस्तों निकल कर आ रही थी, जो आप सभी तक शेयर किया गया। अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई न्यूज़ आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।